नमस्कार व्यूअर्स, सराब पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है जी। तो आज अपने चिक्स के वैक्सीन कर रहे हैं, लसोटा की वैक्सीन है जी ये, तो ये बहुत जरूरी है जी। वैक्सीन करने से क्या है बच्चे की जो लसोटा से जो प्रभावित है बीमारी, कई बीमारियों का इलाज होता है, तो वैक्सीनेशन प्रॉपर पोल्ट्री फार्म में करना जरूरी है। अगर आपने पोल्ट्री फार्म करना है तो उसमें जो वैक्सीनेशन का खास ध्यान रखें, ताकि आपको फ्यूचर में जाकर कोई खतरनाक बीमारी है जो इनवर्ट को ना हो, जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो नुकसान से बचने के लिए जो ये वैक्सीन है ये करनी बहुत जरूरी है। तो आज अपने इसकी वैक्सीन की वीडियो बना रहे हैं जी। तो व्यूअर्स, जो ये वैक्सीन है, वैक्सीन इसका आँख में जो वैक्सीन देना है प्रॉपर इसके आँख में डालो, और आँख में डालने के बाद में ये वैक्सीन है जो मुंह में चला जाएगा अंदर ऑटोमेटिक। तो वैक्सीन हमेशा ये जो है लसोटा वाला आँख में दिया जाता है। कुछ लोग क्या है इसको पानी में दे देते हैं जी, तो पानी में ये वैक्सीन में क्या इसकी डोज कम हो जाती है प्रॉपर। सारा जानवर कोई पीगा कोई नहीं पीगा, कोई ज़्यादा पी जाएगा तो ये डोज का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही नहीं रह पाती। जिस हिसाब से इसको वैक्सीन अपनी करनी है उतनी वैक्सीन प्रत्येक चूजे को होती नहीं है, किसी को ज़्यादा हो जाती है और किसी को कम रह जाती है, कुछ बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल ही नहीं हो पाती है। तो क्या देखते हैं जी, हम वैक्सीन तो हमने की थी पानी में, पर वैक्सीन का कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ना वैक्सीन का आने का कारण यही है कि अपने पानी में वैक्सीन दे देते हैं तो उसमें रिजल्ट कम हो जाता है जी। तो वैक्सीन है जो हमेशा इसकी अपने प्रॉपर आँख में दो, जो मुंह में देने वाली है वो मुंह में दो, जो गर्दन पट्टी का या पंख के नीचे लगता है तो उसी हिसाब से वो देना चाहिए जैसे वो बना है, ना कि अपने हिसाब से अपनी मतलब सहूलत के हिसाब से भी अपने कम टाइम लगेगा अपने पानी में दे दो जैसे। ऐसा कभी ना किसान भाई आप करो, आप इसको जो जैसे है सिस्टम उसी हिसाब से इसकी वैक्सीन करनी चाहिए। मिक्स करेंगे तो सिरिंज हमेशा नई का यूज करो, बिल्कुल हमारी नई सिरिंज है, हमने बारी खोली थी तो 5-4 रुपए से कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता सिरिंज, 5-4 रुपए की सिरिंज आ जाती है। नई सिरिंज का यूज करें ताकि कोई इन्फेक्शन है जो पुरानी सिरिंज में होता है वो अपने ब्लड में ना चला जाएगी। तो सिरिंज हमेशा ही तो ये देखो अपने आप ही जा रही है सिरिंज करती है इसमें, ठीक है जी। इसके अंदर डालने के बाद आप मिक्स कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करो। मिक्स करने से क्या है, जो इसके अंदर दबा है पूरी तरह से पानी के अंदर मिल जाएगी, घुल जाएगी। तो पानी के अंदर घुलने के बाद में इसका जो है दबा को इस बोतल में डालकर आई ड्रॉप से हम इनकी वैक्सीन करेंगे, ठीक है सर। हमसे आप पकड़ो और इसकी आँख में एक बूंद, ये आँख से मुंह में चला गया इसके, इसको छोड़ दो। अब इसकी वैक्सीन गई है हो, अब इसको जैसे पकड़ा है हम लोगों ने पहले से पकड़ रखा है, इसके आँख में एक वैक्सीन दिया है जी, इसके अंदर गया वैक्सीन। इस हिसाब से प्रॉपर वैक्सीन करो, जो कि एक एक वर्ड के आप वैक्सीन करोगे आपको संतुष्टि होगी जी, हमने जो वैक्सीन की है वो चूजे को हुई है। ऐसा नहीं है अभी कुछ ने पी ली कुछ ने नहीं पी, प्रॉपर वैक्सीनेशन आप करो। एक बूंद, ठीक है जी, एक एक बूंद सबको।